यार जब एक चीज को वो नहीं मान रही है भाई को धोखा क्यों देती है रे जब वो बोलता कि नहीं जाना तो माँ का सपना तो माँ का सपना माँ 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 तेरी माँ तो मर गई ना गलती से कोई कमरे में ले जाए कुछ कर दिया ना तो इज्जत का वाट लग जाएगा तुम्हारे तुमसे ना बात कर रहा है ना कितना कमा के दोगी उसको भैया एक सेकंड ना यार जो चीज अब क्या भाई कैंसर है यार क्या दोस्तों बगल में ही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है एक 16 या 17 या 18 साल की एक लड़की है नहीं होता दोस्तों मजबूरी जो है ना इंसान से क्या नहीं करवाती है तो 16-17 साल की लड़की उस कंस्ट्रक्शन में इतना मुश्किल वाला काम माने अपने सर पे बालू उठाना सीमेंट उठाना वो काम कर रही थी। अभी कुछ देर पहले मैं देखा था पानी पीने के लिए वो यहाँ पे आई है लेकिन मोटर बंद है मैं भी थोड़ी देर पहले चालू करने यहाँ पे लेकिन चल नहीं रहा है। तो हमको ये बात जानना है कि इतना कम एज में वो इतना मुश्किल वाला काम क्यों कर रही है एक बार हम उससे चल के बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग एक बार उसको देख लीजिए एक बार दिखाना भैया उसको दिख रहा है ना दोस्तों नहीं जब इंसान को भूख लगता है ना दोस्तों तो मिट्टी भी उठा खाता है ये कचड़ा वाला पानी है दिख रहा होगा आप लोगों को ये मजबूरी है दोस्तों कोई शौक से पानी नहीं पी रही क्या कर रही हो तुम यहाँ पे इधर आओ इधर धूप से इधर आओ तुम तो वही हो ना हाँ। इधर आओ इधर तो तुम अब कंस्ट्रक्शन में काम कर रही हो देखो इधर आओ इधर पहले डरो मत वहाँ पे कैमरा लगाए सब रिकॉर्ड कर रहे हैं जो पूछ रहे उतना बताओ तुम कंस्ट्रक्शन में काम करती हो कितना एज है तुम्हारा 16 साल की एज में तुम कंस्ट्रक्शन में काम कर रही हो बाल मजदूरी या केस लग जाएगा तुम्हारे ऊपर कौन काम कराएगा तुमको वहाँ पे अपने मन से काम करती हो तुम कोई ठेकेदार तुमसे जबरदस्ती काम करा रहे हैं वहाँ पे उधर कैमरा लगा उधर बात करो जो पूछ रहे हो बताओ क्या बात कर ड्रामा तुम कर रखी हो ना तो सुन तो लो मेरी भी इतना कम एज में तुम क्यों काम कर रही हो वहाँ पे एक कचड़े वाला तुम पानी पी रही हो वो मजबूरी में पीना पड़ रहा है भैया क्या मजबूरी है तुमको भैया मेरे भाई तुम्हारा अच्छा खासा एक भाई है जब वो बोल रहा है कि तुम्हारा खर्च खुद चलाएगा तो क्या जरूरी है तुमको कंस्ट्रक्शन में काम करने का वो चाहते ही नहीं है क्या नहीं चाहते हैं कि मैं ये काम करूं फिर भी ट्यूशन के बारे से मैं आई हूं मजदूर कर रही हूं कोठे में काम करना कर रही हूं मैं फिर भी करना पड़ रहा है ये तो अच्छा बात है ना अगर तुम्हारा भाई नहीं चाह रहा है तुमसे एक घटिया वाला काम कराना तो इसमें बुरा मानने वाला क्या चीज़ है तो भैया ये चाहते बस कि मतलब घर में बैठे बस यही चाहते हैं वो कुछ काम ना करूं मैं कोठे में ना जाऊं मैं काम ना करूं पर मुझे तो करना पड़ेगा और क्यों तुमको काम क्यों करना है उनको क्योंकि वो हर चीज में तेज है मेरे भाई 10th में टॉप आए 12th में भी टॉप आए फर्स्ट ईयर में भी उन्होंने टॉपर करी है उन्होंने तो तुम देखो तुम उनके लिए काम करना चाहती हो ना तुम अपने भाई के लिए कमाना चाहती हो मेरी माँ भी छोड़ गई तुम अपने भाई के लिए कमाना चाहती हो ये बात बताओ क्यों कमाना चाहती हो अपने भाई के लिए मेरे भाई जी IPS बनने के सपना है उनका तो मेरी माँ भी चाहती है वही मैं भी वही चाहती हूँ कि मेरे भाई ना आगे बढ़े तुम्हारे माँ तुम्हारी माँ तो है नहीं तो तुम्हारे माँ का सपना था कि तुम्हारा भाई IPS ऑफिसर बने और हर चीज में टॉप करता है ना पढ़ने लिखने में ठीक है तो तुम चाहती हो तुम्हारे माँ का जो सपना था वो तुम पूरा करोगी ना लेकिन तुम्हारा भाई नहीं चाहता है वो भाई नहीं चाहते क्यों नहीं चाहता है क्योंकि वो मतलब मैं कोठे में काम करती हूँ झाड़ू पोछा करती हूँ तो कोठियों में काम करना तो छोड़ा दिया है ना इंसान तो इसलिए तुम यहाँ कंस्ट्रक्शन में आके काम कर रही हो ना हाँ भैया दोस्तों इसका एक भाई है जो कि IPS का तैयारी कर रहा है हर चीज में टॉप किया है पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज है उसके माँ का सपना था कि मेरा बेटा IPS का तैयारी कर सके तो कोठियों में काम करती थी दिन भर रात रात भर काम करती थी और अपने बेटे का फीस की पैसे की व्यवस्था करती थी बेटी को नहीं पढ़ा पाई क्योंकि उतना पैसे हो नहीं पाया तो कुछ मजबूरी वश उनकी माँ का देत हो गया तो अपने भाई का सपना पूरा करने के लिए ये उसकी छोटी बहन है ये कोठियों में काम करती थी लेकिन भाई ने छोड़ा दिया तो कोठी में काम करना छोड़ा दिया तो ट्यूशन के नाम पे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में आके काम कर रही है भाई के सपने को पूरा करने के लिए yes. भाई अपना सपना खुद पूरा कर सकता है तुम कमा के नहीं दोगे तभी अपना सपना
कि तुम्हारा भाई तुमने जबरदस्ती काम कराता है? नहीं वो चाहते नहीं। मैंने कोई कोई दूसरा काम कर लो, कोई ऑफिस वर्क कर लो, पढ़े लिखी हो कि नहीं? नहीं। तो फिर ऑफिस में भी कोई काम नहीं मिलेगा तुमको? तो अपने भाई को मैंने तुम्हारे भाई को हम क्या समझाएं? तो मैं चाहती हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो मैं अपने भाई को आगे बढ़ाना चाहती हूँ क्योंकि वो हर चीज में। तुम्हारा भाई अपना पढ़ाई का खर्च अपने से नहीं निकाल सकता है? नहीं मैं कर सकती हूँ पूरा उनका सपना। अरे तुम का झाड़ू में घर में झाड़ू पोछा लगाने, तुम लड़की जात हो यार, कुछ तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा तो? मेरा भाई, मैं अपना भाई, तुम्हारा भाई, देखो इधर आओ, तुम्हारा भाई है मानते हैं, अगर मान लो तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाएगा, ऊंच नीच हो जाएगा तो तुम कहीं मुंह दिखा सकती हो? तुम्हारा भाई जीते जी मर जाएगा। उससे कोई लेना देना नहीं है मुझे, बस अपने भाई, अपने भाई का सपना पूरा करना है। हाँ। कंस्ट्रक्शन में काम करके ना, तो अगर तुम्हारे साथ कोई गलत कर दे तो? ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ? हाँ तुम तो भगवान हो ना, तुमको तो सब सब कुछ पता है, सही क्या है गलत क्या है। अपना भाई का सपना पूरा करना है बस, जो मैं चाहती हूँ ना वो। तुम्हारा भाई अगर जानेगा तुम कंस्ट्रक्शन में काम करती हो तो पढ़ाई करेगा अपना आगे का? तुम पैसे ले जाके जो दोगी उसको, पूछेगा ना कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो तुमको ट्यूशन जाने के लिए बोलता हूँ, तुम पैसे कहाँ से ला के दे रही है? तो करना तो पड़ेगा भैया। करना तो वो जब नहीं कराना चाहते तुम जबरदस्ती क्यों करना चाहती हो? तो तुम्हारे भाई से हम बात करते हैं ठीक है ना, और जब बुलाएंगे तो तुम आना ठीक है ना। चलो पहले यहाँ से तुम तो। हाँ जो स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल में दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश, इनका नाम आशीष है दोस्तों। देखो भैया ये सब ड्रामे मत करो, ये बताओ मेरी बहन। ये मेरा काम है भाई, कोई ड्रामा नहीं है। काम है तो मेरी बहन। आपकी बहन जो है ना कहाँ आई थी, कहाँ उसको भेजा? चिल्लाओ मत, तुमने मुझे फोन करके बुलाया मेरी। क्यों फोन करके बुलाया, कुछ पता है आपको? यार तुमने बुलाया। आपकी बहन कहाँ है वही पूछना है आपसे, पूछ रहा है। वो घर से ट्यूशन के लिए निकली और तुमने? ट्यूशन कोई ट्यूशन करने नहीं आई है, वो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में काम करती है ना, पीछे काम चल रहा है देखो कंस्ट्रक्शन का। ड्रामा कर रहे हो तुम लोग, बहन का कोई आता पता नहीं है। देखो झूठ मूठ तुम हमारे ऊपर चिल्ला रहे हो, चिल्ला क्यों काम करा रहे हो उससे? कौन तुम? अपना सपना पता है क्या यार? तुम अपना सपना खुद से पूरा नहीं करते, चिल्ला रहे हो। पता है तुम्हें मैंने भेजा उसको? एक तो तुमने फोन करके बुलाया और बोला पहले जियो में काम कराते थे, कंस्ट्रक्शन में काम करे, क्या ड्रामा है? सीधी बातें मत करो, मैंने उल्टी सीधी हम क्यों बात करेंगे ना? हमारे रिश्तेदार लगते हो ना, मेरे दूर के भाई लगते हो, तो ये सब बोल क्या रहे हो तुम? ये बताओ, ये देखो पहले वो कोठी में काम करती थी झाड़ू पोछा का, तुम्हारे आपका सपना पूरा करने के लिए, आपके सपने को पूरा। सुनो मेरी बहन का, एक बार बताओ, कॉल था हाँ छोड़। नहीं छोड़ रहा मैं मेरी बहन का, ये बताओ प्यार से। तेरी बहन मर गई, हो गया तसल्ली? हो गया ना रखा था मुंड की माँ बहन, एक मत करो। साला 45 डिग्री टेम्परेचर है आज का, इतना गर्मी में तू अपने बहन से कंस्ट्रक्शन वाला काम करा रहा है? तुमसे कौन कह रहा पागल हो गएगा, तुमसे कौन कह रहा है? 16 साल की लड़की क्यों उतना मेहनत वाला काम करेगी? वो उसको कोई ना कोई मजबूरी होगा तभी ना। चलो ये बताओ, मेरी बहन मुझसे ट्यूशन बता के निकली थी, अब वो तुम कह रहे हो कि वो यहाँ है, कहाँ है ये बता दो। देखो वीडियो देखो क्या क्या कर रही थी वो, पानी के लिए तड़प रही थी, उसको पानी नहीं मिला मिल रहा है पीने के लिए, और बोल रहे हो तुम इस टाइम है क्यों क्यों वो कंस्ट्रक्शन में क्यों काम कर रही हो? उसका कोई कहते, वो बोलती है कि मम्मी का कोई सपना था कि आपको IPS बनाना है, मम्मी तो मर गई इसलिए मैं काम कर रही हूँ आपके सपने को पूरा करने के लिए। ये सच्चाई क्या है यार, कुछ समझ में नहीं आता है हमको यार। वो कुछ और बोलती है, तुम कुछ और बोलते हो, तुम बोलते हो कि हमको पढ़ना ही नहीं है यार। बात सुनो मेरी, सारा बात बताओ। यहाँ पे मैंने कैमरा लगाया नहीं इसीलिए लगाया है, कोई ड्रामा रिकॉर्ड नहीं करना है, हमको सच्चाई पता लगाना है कि सच क्या है इसमें। सुनो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैंने जैसे पहले बताया था मैं अब भी बता रहा हूँ, सही बताना भाई, कोई झूठ मत बताना, बिल्कुल ठीक। आपकी बहन बिल्कुल स्वस्थ है, सुरक्षित है, तुम्हारे जो मेरे पास नहीं है यहीं पे है, उसको बुला देंगे 2 मिनट में, हम नहीं लेंगे। अभी थोड़ा देर पहले उससे बात किए थे, पक्का बोल रहे हैं यार, झूठ क्यों बोलेंगे? आपकी बहन तो मेरी भी बहन हुई। चलो मैं सच्चाई बताना भाई, झूठ मत बोलना भाई। बहुत टाइम पहले मेरी माँ ने मुझे 10वीं और इंटर बहुत मेहनत से कराई है, बहुत ही मेहनत करी है, क्योंकि वक्त से पहले हमारे पापा जो थे देहांत हो गया उनका, फिर हमारी माँ ने बहुत पढ़ाया मुझे, वो सिर्फ मुझे ही पढ़ा सकती थी। तो आप हर चीज़ में टॉप करते थे? बहुत पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा था, इंटर में भी मैंने स्कूल में टॉप करा था, काफ़ी अच्छे से मेरी पढ़ाई चल रही थी। फिर अचानक से उसका सपना मेरी माँ का यह था कि वो मुझे IPS ऑफिसर बनाए, फिर अचानक से देहांत हो गया उनका, और उसके बीच में मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। दो चीज़ थी मेरे पास, एक पढ़ाई और एक मेरी बहन, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इन दो में से क्या चूज़ करूँ। वो पागल हुई पड़ी है, उसे वो तो कुछ
आगे बढ़ नहीं पाई, बस वो ये सोच रही है माँ का सपना ये पूरा कर दें। मैं भी इसी को सोच के ले रहा हूँ, पर वो मैं ये सोच रहा हूँ कि वो पागल क्यों रहती है भैया। अब क्या बोलूँ, माँ चली गई, उसने माँ ने उसको कहा था अगर मैं नहीं कर पाई तो तुझे इसको आगे करना है। तो यानी कि माँ ने, माँ छोटी बहन को मुझसे ना करके छोटी बहन को बोल के चली गई। अब वो क्या कर सकती है, वो मेरी बात मान नहीं रही, जिद पकड़ के बैठ गई। क्या कर सकता हूँ मैं इसमें, अब मुझे भी, मैं कुछ भी कर लूँगा पर मैं उससे काम नहीं करवा सकता ना। अभी 2-3 दिन पहले जब आपसे मुलाकात हुई थी उसके बाद घर पे मैं उसको ज़बरदस्ती ले गया, गुस्से में उसने खाने नहीं खाया। मैंने सोचा एक टाइम की बात है, फिर शाम को मैंने खाना करा फिर नहीं खाया। एक तो बहुत मुश्किल से होता है खाने का भी, वही करती है, मैं तो कर लेता हूँ जैसा होता है। दोनों टाइम करा फिर नहीं हो पाया, 2-3 दिन से नाराज़ थी। और अब सुबह के टाइम नॉर्मल हुई, कहने लगी मैं ट्यूशन जा रही हूँ। दोस्तों ये आशीष भाई हैं, इनकी माँ का सपना था कि एक IPS ऑफिसर बने, जो कि ये बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता है। इनकी माँ कोठियों में काम करके इन लोगों का खर्चा पानी चलाती थी। ये पढ़ने में बहुत तेज़ है, 10th में भी टॉप किए हैं, इंटर में भी आप टॉप किए हो ना जी भैया, अच्छे खासे पढ़ने में। भगवान ने, भगवान को जो होने वाला होता है वो तो कर ही देते हैं। इनकी माँ का देत हो गया, लेकिन इनकी माँ मरते मरते आपकी बहन को एक वचन दे के गई ना, जो मैं नहीं करा सकी अपने बेटे से वो तुमको कराना है। इसलिए वो जी जान लगा के मेहनत करती है ताकि आप अपना सपना पूरा कर सके ना भैया, यही ना बात है। लेकिन आप क्या चाहते हो भैया सपना? अभी यही चाहते हो ना कि वो जाके मेहनत करें? नहीं, मैं कंस्ट्रक्शन में काम करें, मैं यही तो नहीं चाहता। वो इस चीज़ को मान ही तो नहीं रही। मैं ना गर्मी में, जानते हो भैया, अपने जब मुड़ी में जब सीमेंट उठा रही थी ना, तो हम देख रहे थे उस लड़की को, एक तो उसके शरीर में जान नहीं। भैया उसने बताया भी तो नहीं है मेरे को, मुझसे बोल के निकली है वो। मैं क्यों नहीं बताती है यार? भैया उसका, आपका, आपके प्रति उसके अंदर डर हैगा, आप उसको मारते पीटते हो क्या यार? नहीं भैया, आज तक उसको हाथ भी नहीं लगाया। अगर फिर क्यों, अगर हाथ लगा दो तो भैया ये नौबत भी नहीं आती। अगर डरा के रखता तो इतना भी नहीं होता। आप कुछ सोचो, बस वो पागल हुई पड़ी है इस चीज़ के पीछे। मैंने कहा अगर माँ का वचन है तो मैं भी पूरा कर सकता हूँ, पर वो भी अपने जिद पे, वो बोल रही है कि मैं काम करूँगी तो करूँगी, मैं अपने भाई के सपने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब इस चीज़ को नहीं मान रहे हो, मैं क्या बताऊँ भैया? मैं उसको ये भी, मैंने उसको डराने की कोशिश, तुम एक लड़की जा तो तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाएगा तो तुम अपने मुँह भी नहीं दिखा सकती हो कहीं। फिर भी उसके अंदर डर नाम का चीज़ें नहीं है। मैं इसी, वो बोल रही है मैं कुछ भी करूँगी लेकिन अपने भाई का सपना जरूर पूरा करूँगी। इसी चीज़ से तो डर रहा हूँ मैं, माहौल आपको पता है क्या चल रहा है, इसी चीज़ से मैं डर रहा हूँ। आज का माहौल कुछ ज़्यादा ही खराब है, बहुत गंदा हो रहा भैया, और इसी चीज़ को वो नहीं मान रही है। मैं बहुत परेशान हूँ, एक तो इतनी चीज़ें टेंशन में, और IPS का आपको पता ही है, और ऊपर से ये अलग टेंशन है, क्या करूँ मैं? एक बार अपने बहन से बैठ के बात करो। कितनी बार कर चुका हूँ, उस दिन भी हमको लगता है आप गलत हो। जानते हो इसके पिछले वाला जो वीडियो है उसमें, जानते हो कितना लगता है कि आप ही उसको प्रेशर डाल के काम करा रहे हो? नहीं भैया ऐसा है नहीं है, प्रेशर डालता तो फिर मैं अय्याशी करता ना, मैं क्यों उसको धोखे में रखता? मैं तो खुद ले आम फिर वो करवाता ना काम वगैरह, मैं करता ही नहीं अगर मैं उसको प्रेशर में रखता। मैं तो खुद चाहता हूँ वो ना करे, अब वो मेरे हाथों से छूट छूट गए, अब भी तुम बता रहे हो वो काम पे आई है, मुझे पता होते तो क्या। यहाँ पे मैं देखा कि कब से वो कंस्ट्रक्शन में काम कर रही थी, फिर वहाँ पे पानी पीने आई हो, उसको पानी नहीं मिल रहा था तो नीचे का नाली का पानी पिए हो। ये कोई झूठ बनावटी बात नहीं बोल रहे, मैंने जो देखा वो बता रहे हैं आप। वो क्या पता है आपके पीछे उतना पागल क्यों हो गई है यार, हमको समझ में नहीं आ रहा। वो हर चीज़ भूल चुकी है अपने भाई के सपने को लेके। क्या करूं भैया, वो आपको बनो, उसको समझाओ, उसको दिखाओ, नहीं मान रही भैया, उसको बोलो कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं अपने पढ़ाई खुद से कंप्लीट कर सकता हूँ। वो इस चीज़ को मान ही नहीं रही है। आपको IPS का तैयारी करना है कि नहीं करना है भैया? करना भी है तो उसकी मेहनत से करना है। आपने तो देखा भाई उसकी एज भी नहीं है, काम कर रही है। मुझे क्या बताऊँ मैं आपको, सारी बात पता लग गई, जो उससे पूछा होगा शायद वो भी यही बता रही होगी जो मैं बता रहा हूँ। फिर भी मैं नहीं मान रहा, मुझे नहीं करना इस तरीके का, कोई अपनी कामयाबी के पीछे इसको नहीं लगाना भैया, होना है तो खुद होना है। मैं सोच रहा हूँ भैया वक्त से पहले उसकी शादी हो जाए, बस ये चीज़ है और कुछ है नहीं। अब वो इस चीज़ को नहीं मान रही तो मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत जिद। आप बड़े हो तो पहले उसी का शादी करोगे भैया? साइड जॉब करके, साइड से पढ़ाई करके बहुत कोशिश करने का, जब होगा तो उसको करूँगा मैं पहले, फिर मेरा जो होगा होता रहेगा वो तो निकले भैया पहले परेशानी से। एक यहाँ पे उसको मैं बुला देता हूँ, आप उससे एक बार बैठ के बात करो, सारा चीज़ समझाने की कोशिश करो। आप बुलाओ भैया, वो ऐसा क्यों कर रही है? उसके आपका प्रेशर है कि किसी और का प्रेशर है? क्या उसकी माँ उससे ऐसा क्या बात बोल दी है कि इतना पागल है आपके प्रति?
कि आपके सपने को लेकर आपसे ज़्यादा परेशान हो रहती है। अब एक काम छुड़ा देते हो तो दूसरा काम करने लगती है वो, तो उसकी माँ क्या उसको बोल के गई है, एक बार उससे बैठ के पर्सनली बात करो आप। ये माइक इसको छुपा के रखो, एक बार उसको हम बुला देते हैं, आप उससे बैठ के बातें करो, ठीक है भैया? जी। A few moments later. तो ये क्या हुआ? बैठो इधर। नहीं हुआ क्या है? बैठो इधर। क्या कर रहे हो आप? बैठो इधर। पहले बताओगे? इधर बैठो इधर। घर से क्या बोल के गई थी? मैं ट्यूशन। ट्यूशन और फिर यहाँ क्या करना पड़ रहा है? कितना कितना टाइम हो गया ट्यूशन के लिए? मिनिमम 2 घंटे का होता है, यहाँ 3-3.5 घंटे हो गए मैं ढूंढ रहा था। यहाँ क्या हो रहा है? तो क्या हो रहा है? यहाँ करने क्या आए हो ये बताओ। आप ट्यूशन भेज देते, मैं ट्यूशन पढ़ने के लिए आई हूँ। यहाँ ट्यूशन चल रहा है और ये सब क्या हालत बना रखी है? एक बात समझ में नहीं आती है क्या, ये बताओ जो चीज़ इस चीज़ के जिद के पीछे, ऐसा क्या है? जब मैंने कह दिया मैं नहीं करने का तो फिर समझ में नहीं आती है क्या? नहीं करने का मैं समझ में नहीं आती ये सब दिखाने के लिए कि मैं क्या करवा रहा हूँ अपनी बहन से लोगों को। माँ हमें वचन दे के गई थी, मैं पूरा कर सकता हूँ उसे, जो भी करना है मैं कर लूँगा। जब लोगों को ये दिखाना है क्या कि मैं अपनी बहन पे प्रेशर डलवा के काम करवा रहा हूँ? तो भैया जो मेरा काम है वो मुझे करने दो, जो आपका काम है वो आप करो। ये जिद छोड़ दो, इस जिद से कुछ नहीं होने का, मैं जो बता रहा हूँ उसको समझो और ये झूठ बोल के मत निकला करो। मैं वचन दे के गई है ना, वो वचन पूरा करके रहूँगी मैं। क्या आप सुनो मेरी बात आराम से, ये चीज़ें मत करो, ये झूठ मत बोलो। मैं पागल हो गया हूँ, किसी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि तुम्हारी बहन यहाँ है, इस चीज़ को पागल मत बनाओ कि मैं पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ आ गए, ये मजदूरी कर रही हो, ये हालत बना रखी है। तो क्या हो गया भैया? मैं ये दिखाऊंगा क्या लोगों को कि मैं अपनी बहन से काम करवा रहा हूँ? ये सपना ही तो पूरा, तो सपना मैं नहीं कर सकता हूँ क्या? सपना मैं नहीं कर सकता, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही क्या? एक चीज़ को बार बार जिद करवाना, ये दिमाग में क्या हो चुका है, क्यों समझ में नहीं आ रहा? 2 दिन से नाराज, फिर सुबह देखा तो एकदम कुछ पता लगा ट्यूशन जा रही है, मैं ठीक हो चुका था, फिर उसके बाद यहाँ आना। चाहना क्या है, चाहती क्या हो ये बताओ भैया? बस आप पढ़ जाओ, मैं बस ये चाहती हूँ, मैं अपना माँ का वचन पूरा करना चाहती हूँ। देखो मेरी बात सुनो, ये जो चीज़ तुमने ज़िद पकड़ रखी है, ये ज़िद पूरी नहीं हो सकती। मैं कोई भी किसी भी तरीके की सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। अब इसे ज़िद लेके मत बैठो और ये चीज़ समझो, जो होगा हो जाएगा। और जो मैंने पहले कह दिया वही होगा कि तुम अपनी उस पर लाइफ, अपने शरीर पर ध्यान दो, बस घर में पढ़ो, जो भी हो रहा करो, मैं उसके बाद सब चीज़ कर लूँगा। नहीं भैया मैं यही करना चाहती हूँ, मैं आपका सपना पूरा करना चाहती हूँ। समझो मेरी बात समझो, इतना ज़िद मत करो, क्यों गुस्सा? मैं फिर समझा रहा हूँ, मेरी किसी कोई भी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती, ना मैं कर सकता। लग सकती है आपकी भैया? यार एक चीज़ को ज़िद मत देखो, इस किसी भी तरीके की मैं सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते भैया? यार समझो, नहीं कर सकता मैं। रीज़न बताओ, एक चीज़ समझ में नहीं आती है क्या? जब तो बताओ क्या, फिर रीज़न कर सकते हो आप सरकारी नौकरी? मेरी बात समझो, जो भी चीज़ है, माँ वचन दे के गई थी। यार वचन, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, मुझे नहीं दिख रहा है क्या वचन? मुझे नहीं दिख रहा, मुझे नहीं पता कि क्या करना है मुझे। तो मैं ऐसे माँ का वचन ठुकरा नहीं सकती। क्या करूँ यार, सुनो मैं कह रहा हूँ, इतनी जिद सही नहीं है, मत समझो। नहीं मुझे मेरा काम करने दो भैया। ये चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है? ये चीज़ नहीं हो सकती, कोई भी जॉब मैं नहीं करूँगा और ना कर सकता। जो भी है वो शांत रह जाओ और आज के बाद ये सब बहाने लेके ये करने आना मत। अगर यही चीज़ करनी है तो फिर मुझे बताओ, मुझे पागल तो बनाओ मत। नहीं मम्मी जी, जो मेरा काम है वो करने दो, आप अपना काम करो। दिमाग में अपना काम करने दो। दिमाग में हो क्या गया है, समझ आ रही है नहीं जो मैं कह रहा हूँ? ये एक चीज़ की जिद ही पकड़ ली, जो समझ आ रहा है नहीं? ध्यान से मेरी बात समझो, ये चीज़ें आराम से करते हैं, ये चीज़ें सब झूठ बोल के कुछ नहीं होने का। पहली चीज़ मैं फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ, ना मैं सरकारी नौकरी कर सकता और ना करूँगा। ये तो बता दो। कुछ है मैं नहीं बता, जो भी है मैं ये नहीं कर सकता। और दूसरी चीज़ मैं चाहता हूँ तुम घर में बैठ के जो भी अपनी पढ़ाई पूरी करो और ये इधर उधर के धक्के खाना बंद करो काम के। मैं जो हूँ बनूँगा, मैं कुछ भी अपनी जिम्मेदारी पर बन सकता हूँ, ठीक है? और तीसरी चीज़, वक्त जो भी चीज़ होगी जिम्मेदारी, मैं भी चाहूँगा कि मैं भी वक्त से पहले तुम्हारी कर दूँ। अगर तुम्हें अब भी समझ में नहीं आ रही है बात,
तो मैं उल्टा सीधा कुछ कर बैठूंगा, फिर करते रहना अपना माँ का वचन और मेरा सपना। आपको नहीं पता जब हमारी माँ गुजर गई थी, जब माँ बोल के गई थी कैसे मतलब कोठियों में काम करती थी वो भी जा जा। मैं भी यही चीज फिर कह रहा हूँ, अगर अब भी यही जिद रखनी है तो मैं कुछ उल्टा सीधा सपना था एक, मैं फिर बोल रहा हूँ अगर यही चीज रखनी है तो मैं कुछ कर बैठूंगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ अब अपने साथ। मैं इतना टेंशन में हो चुका हूँ बस बता नहीं सकता मैं, अगर तुम्हें यही चीज रखनी है तो। तो भैया आप भी तो देखो माँ क्या बोल के गई थी। एक चीज को मत रिपीट करो, समझो नहीं हो सकती ये चीज, मत करो अब तो जो भी। तो बताओ आप क्यों नहीं कर सकते, आप सरकारी नौकरी। यार समझो मेरी बात, समझो मत दिलाओ इस चीज को गुस्सा, मैं जो कह रहा हूँ समझो, मैं प्यार से भी यही बात बोल रहा हूँ और गुस्से से भी यह बात बोल रहा हूँ। समझ में क्यों नहीं आ रहा तुम्हारे, क्या पागल वागल हो गई हो क्या, जो चीज मैं बोल रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा क्या, इतना गुस्सा आ रहा है कि हाथ भी नहीं उठा सकता मैं। तुम मेरी बात समझो, मैं फिर दोबारा नॉर्मल होके कह रहा हूँ, ये जिद छोड़ो घर जाओ और जो होगा हम कर लेंगे, समझ में आ रहा है। नहीं नहीं भैया वो सपना पूरा करूँगी अपनी माँ का। अब चल क्या रहा है दिमाग में ये बताओ, चल क्या रहा है, किसी के साथ कुछ अफेयर वगैरह है या मुझे पागल बनाया जा रहा है मेरी जिद के पीछे कि ये सब मुझे बनाना बनाना कुछ चल रहा है क्या किसी से। भैया नहीं चल रहा है तो बता दो, ये तो बता दो क्यों नहीं बन सकते हो। अरे नहीं कर सकता मैं एक चीज को, क्यों पागल बन रही हो तुम, आप रीजन तो बता दो क्यों नहीं बन सकते हो। रीजन तुम मेरे, आपको पता है माँ कैसे ना कैसे करके हमारे लिए पैसे कमाती थी वो। मैं बहुत आपको पता, मेरा हाथ उठ जाएगा, तुम इतनी जिद मत करो, आज तक कुछ कहा है मैंने, मेरा इतनी जिद मत करो खामा खा। क्या करती थी आपकी माँ, क्या करती थी माँ, तो माँ करती तो वो करेगा नहीं अपने से, तुम ही काम करोगे तो उसका पढ़ाई चलेगा। तो ये क्यों नहीं कर सकते, कहाँ बोल रहा है कि नहीं करेगा वो, तुम्हें 16 साल की एज में आके कंस्ट्रक्शन में काम कर रही हो, अगर तुमको कुछ हो जाएगा तो भैया हो कोई छोड़ ही तुम्हारे सर पे लग जाए तो कहाँ से पैसा आएंगे इलाज कराने के लिए। घर का काम करो ना, खाना बनाने का वो करो ना, पढ़ाई करो, अभी पढ़ने का एज है तुम्हारा, कोई बच्चा नहीं है तुम्हारा भाई, वो अपना खर्च खुद निकाल सकता है। जो इंसान हर क्लास में टॉप करता है वो बच्चों का ट्यूशन पढ़ा के भी अपने पढ़ाई को कंप्लीट कर सकता है। जरूरी नहीं है तुम उसको कमा, कितना कमा के दोगी, 5 लाख दोगी कमा के उसको, अरे तुमसे ना बात कर रहे हैं ना, कितना कमा के दोगी उसको। भैया एक सेकंड, मूड खराब कर रही है यार वो, 1.5 घंटे से समझा रहे उसको, तू कोठी में काम करने गई, उससे भी तेरा भाई मना किया ना भाई, तेरे से बात कर रहे हैं ना, लात की देवता है ना तू, बात से समझ नहीं आता तेरे को। तू भाई क्या बोल रहा है, तेरी माँ का सपना था ना कि तू IAS ऑफिसर बनेगा, और तू बोले कि मैं कोई भी नौकरी नहीं कर सकता हूँ सरकारी, क्यों नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता भैया मैं, क्यों नहीं कर सकता है यार भैया, नहीं तू ड्रामा बना, तेरी बहन इधर चूतिया बना रही, तू उधर चूतिया बना रहा है यार। हमारी माँ कैसे कैसे करके हमें, तेरी माँ बहुत मेहनत करके तेरे भाई को पढ़ाई हम जानते हैं, लेकिन तू जो कर रही है तू गलत कर रही है। तो ये कोठियों में जाना काम करना, कोठियों में जाने, मान ले कोठी में सारे लोग दूध के धुले हुए नहीं रहते हैं, गलती से कोई कमरे में ले जाए कुछ कर दिया ना तो इज्जत का वाट लग जाएगा तुम्हारे। 16 साल की एज में तुम कंस्ट्रक्शन में काम कर रही हो, एक सीमेंट का बोरी उठेगा तुमसे मर जाओगे उसमें दब के। तो अभी किताब उठाने का उम्र है, किताब उठाओ, सीमेंट उठाने का उम्र नहीं है तुम्हारा, कि सीमेंट उठाने चली हो तुम। इसको समझाते क्या, तुम भी भाई चूतिया हो यार, एक बहन तुमसे संभली नहीं जा रही है, वो बोल रही है कि इसको अपने छोड़ो ले जाके कॉलेज स्कूल। यार जब एक चीज को वो नहीं मान रही है, भाई को धोखा क्यों देती है रे, जब वो बोलता कि नहीं जाना तो तेरी माँ तो मर गई ना भाई। आराम से भाई, एक सेकंड, तू क्या चाहता है भाई यार, फिर तू क्यों नहीं सरकारी नौकरी क्यों नहीं करना चाहता है, क्या दिक्कत क्या है तेरे को यार, नहीं बताना है ना उसको, सरकारी नौकरी करना नहीं है, अब तेरे को अपने भाई का सपना पूरा कराना है ना, क्यों नहीं तुम दोनों का काम, अब पूछे ना क्यों नहीं करना है, तेरा भाई है ना, तो आप भी तो समझो मेरी बात को। मैं क्या बात समझे यार, ये कोई बात समझने वाला है, एक सेकंड, मैं बहुत टाइम से छुपाता हुआ आ रहा हूँ,
फिर कोई नया ड्रामा मत बताओ भैया यार। नहीं एक सेकंड, ड्रामा भाई देखो, ड्रामा हो या कुछ भी हो मेरी बात, एक बहन अपने भाई के सपने को पूरा करने के लिए वो कोठियों में काम कर सकती है, कंस्ट्रक्शन का काम कर सकती है, इतना गर्मी में 45 डिग्री आज का टेम्परेचर है, इतना धूप इतना गर्मी में अपने भाई के सपने के लिए इतना मेहनत कर रही है, क्यों कर रही है भाई? तुमसे क्या लालच है? क्या समझो, बस अपने माँ के वचन को पूरा करने के लिए ना। मैं भी इससे वही कह रहा हूँ, ये चीज नहीं हो सकती। लेकिन तुम बोल रहे हो कि मैं कोई सरकारी नौकरी नहीं कर सकता हूँ, वाह। मैं कर भी लूँ तो नहीं होने का भाई, नहीं होने का। अगर मैं कर भी लूँ तो क्यों नहीं होगा? मतलब यार जो चीज, अब क्या भाई, कैंसर है यार। क्या क्या भैया, आपने अब बताया। झूठ बोल रहे हो ना? झूठ नहीं बोल रहा। क्यों झूठ बोल रहे हो? झूठ नहीं पढ़ने मत पढ़ो यार, छोड़ दो पढ़ने का। लेकिन झूठ मत बोलो। झूठ नहीं बोल रहा यार, पढ़ने का दबाव किसका है मेरे ऊपर ये तो बताओ, कौन दबाव करेगा पढ़ने का? और भैया आपने मुझे अब बताया, इतने दिनों से बात छुपाते आए हो मेरे से। एक कब से हुआ है आपको? सच बोल रहे हो? आपसे पूछ रहे, सच बोल रहे हो? हाँ भाई सच। कि आपको कैंसर है? जी भैया। आप इसलिए आईपीएस की तैयारी नहीं करना चाहते? भैया कर भी लूँगा फिर वो क्या होगा, नहीं होने का मेरे से जो भी है, मेहनत का वेस्ट जाएगा। फिर मैं सोचूँ अच्छी जॉब लग जा, थोड़े बहुत सेविंग्स करके इसकी शादी कर लूँ, पर ये चीज़ बता के वो टेंशन। ये सब बताएंगे तो तुम और परेशान हो जाते, इसलिए नहीं बताए होंगे ना? यही तो भैया, अगर ये चीज़ बताऊँगा तो और बात करना ना बहन से, तो पागल ये इसी चीज़ को नहीं करती है भैया। तो झूठ बोल रहा है क्या भाई? भाई झूठ बोल के क्या मिलेगा मेरे को? जिस इंसान को कैंसर होगा उसका शकल इस तरह होगा। अब मुझे किसी भी एंगल तुमको लग रहा है कि तुम्हें कैंसर हुआ है। अब एक चीज़ बताओ, मैं झूठ बोल के मिलेगा क्या? मुझे ये बता दो, झूठ बोल के तुझे ये हासिल हो सकता है तो मैं मान भी लूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्या मिलेगा मुझे झूठ बोल के? हर चीज़ में मैं टॉप किया हूँ, हर चीज़ में मुझे दिख रहा है कि मैं कर सकता हूँ, फिर उसके बाद मैं पीछे क्यों हटूँगा? ये तो बताओ मेरे को। ये जानने के बाद कि तुम्हारे भाई को बीमारी है, तुम फिर भी कंस्ट्रक्शन वाला काम करोगी? तो भाई ना मुझे बताया नहीं, इतने दिनों से छुपाता है मेरे से बात। ये चीज़ इसको समझ, इसको डर था अगर तुमको कुछ बताएगी उसके बारे में तो तुम कुछ कर लोगी ना, तुम होपलेस हो जाओगी। ये नहीं दिखा कि किसी चीज़ रोक रहा है तो क्यों रोक रहा है, क्यों नहीं रोक रहा। मैं ये चाहता था कोई अच्छी सी जॉब मिले, सेविंग्स करके शादी वगैरह करके फिर अपना कर लूँगा। ये समझती नहीं है इस बात को, क्या बताऊँगा ये मैं? एक चीज को खींचना वो अच्छी बात नहीं होती भाई। तो क्या होगा, पर टेंशन में थी तो बता तो देते एक बार। मैंने जरूरी है कि भाई के सपने को पूरा करने के लिए एक बहन को जाके तो कंस्ट्रक्शन वाला काम करना पड़ेगा। माँ ने जो वचन देके गई थी वो तो वचन पूरा करना था यार। मैं नहीं चाहूंगा क्या उसको पूरा करना? अब ये संभव है किसी भी एंगल से, किसी भी मेडिकल में छोड़ देगा इंसान, कितनी भी जिद कर लो कुछ भी कर लो। कोई छोटी बीमारी नहीं है कैंसर, कोई ठीक होने वाला नहीं है कैंसर, मतलब आदमी खत्म। घर से झूठ बोल के आ रही है, समझ नहीं रही है, पता नहीं क्या चल रहा है। तो उसको उसको तो बताना चाहिए था ना आपको। क्या बताऊँ, ये बताओ कि मेरे को ये बीमारी हुआ है, ये बीमारी। अगर इसको ये पता होता तो आपको इतना तकलीफ और दर्द देती नहीं, आपको घर में सपोर्ट करती। ये अभी इतना आपके सपने के लिए मेहनत कर रही है ना, ये अभी इतना वो लेके चल रही है तो बताता तो और कितनी वो लेके चलती। कुछ नहीं चलती, या ये आपको समझती उस समय भैया कि मेरा भाई मुसीबत में है, मेरे को भी मेरे भाई का जरूरत है। ये अभी जो काम कर रही है आपके सपने के ऊपर काम कर रही है ये मुझे, कि मेरा भाई अपना सपना पूरा कर सके। ये मुझे अच्छा नहीं लगा भैया, बताना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा इस बात। इसलिए तुम्हारी बहन इतना तुम्हारे हाथ से निकल चुकी है। अगर तुम पहले सारी चीज़ बता दिए होते ना तो तुम्हारी बहन अभी तुम्हारे पास होती। जो इतना दर्द तकलीफ तुम झेल रहे हो ना, ये नहीं झेलना पड़ता। अभी क्या चाहती है, करोगी कंस्ट्रक्शन में काम? बात करें जाके हम ठेकेदार से। नहीं भैया। भाई का सहारा बनो, सपोर्ट करो, जैसे भाई बोलता है उस तरह चलो। अपने मन से चलने से कुछ होता नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है तुमको क्या बोल रहा हूँ मैं? क्या करना चाहती है? मैं माइक लगाए रिकॉर्ड हो रहा है साहब, देखो मैं कैमरा लगा हुआ। क्या चाह रही हो तुम ऐसा क्यों करती हो यार? मैं जो माँ बोल के गई थी बस वो ही पूरा कर रही थी, क्योंकि तुम अपना कभी शक्ल देखी हो आईना में? तुम कितना कमजोर हो गई हो। कोई मतलब नहीं मुझे, बस भाई का सपना। मतलब तुमको अपने से कोई मतलब नहीं है? तुम बोल रही हो कि माँ
अपना जो पेट काट के अपने अपने बेटे को पढ़ाती थी ना, हाँ। खुद खिला देती थी अपने, तुम लोग का तो पानी पी के सो जाते थे, कुछ हाँ। तुम लोग नहीं खाते थे। तो इंसान इतना देखने के बाद झूठ बोलेगा? ये कुछ भी करके भी आईपीएस की तैयारी नहीं कर सकता है ना, मेहनत चाहिए। उसको कैंसर है यार, तो मेडिकल में छटा जाए। ने बताया भाई, ये मेडिकल में इसका रूल नियम होता है कि कैंसर जिसको, तो आईपीएस ऑफिसर नहीं बन सकता है। ऐसा तो कुछ होता नहीं होगा यार, जिस चीज़ की मेहनत ही नहीं होने की, ये तो बताओ। अब अभी आपको टेंशन है आपकी बहन का ना, बस यही चीज़ है, और ये चीज़ ये मान नहीं रही है। जिस चीज़ को संभाल के रखो वही चीज़ हाथ से निकल रही, तो क्या कर सकते हैं। जाओ ले जाओ भाई को, बस अच्छे से रहो यार, भाई का ध्यान रखो, भाई जरूरी है तुम्हारे लाइफ में। इससे पूछो ये इलाज करवाऊंगी जो करना करो, लेकिन देखो इलाज से जरूरी है प्यार से रहना। ने भाई का जितना बात मानोगी ना, जितना प्यार से रहोगी, उतना इनका उम्र बढ़ेगा। मैं सबसे ज्यादा किसी को लेके परेशान रहते ना तुमको, जब से तुम्हारे बारे में इनका सच्चाई पता चला है। मैं अब ये बात कहूंगा कि जो भी होगा मैं अब भी आगे कर लूंगा, बस ये अपना तरीके से है, जो मैं कहूंगा वो होता रहेगा, जो चाहूंगा वो होता रहेगा, बस ये ठीक रहे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहे हैं, ताकि अपने बहन का कहीं अच्छे घर में शादी करा दूं, उसके बाद मैं आसानी से कहीं भी रह सकता हूं। भैया आप जो बोलोगे वो करूंगी, मुझे माफ कर दो। हो गया ना, माफ कर दो यार। देखते हैं भाई क्या बोल सकते। मानोगे ना अपने भाई का? हाँ भैया आपकी बात मानूंगी, आप मुझे माफ कर दो बस। आपके आपने बात बताई नहीं थी, आप अब पता चल गई मुझे भी, आप मानोगे। ले जा।